अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बट का सालन, जो ओजरी होती है। तो बट हमने ली है, 2 किलो बट है ये हमारे पास, और मोटी वाली बट है। आप अगर शॉप से मंगवाएं तो कह के मंगवानी है कि मोटी वाली बट दें, ठीक है। तो चलिए हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली हमने ऑयल ले लिया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें से प्याज डाल देंगे। फ्लेम ऑन कर लिया है हमने। और मैं आपको जो है बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बट बनानी बताऊंगी। आमतौर पे जो बट है उसमें से स्मेल ख़त्म नहीं होती, और पकने के बाद भी बहुत स्मेल आ रही होती है। तो मैं पकने से पहले और पकने के बाद दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी कि जब आप कच्ची बट लेंगे तो आपने उसको जो है थोड़ा सा सिरका लगा के, जब तक आप साफ़ करें या खाना बनाना, आपने मसाला वगैरह बनाना है, इतनी देर के लिए आप उसे सिरका लगाकर छोड़ दें। तो 2 किलो बट है अगर आपके पास, तो आपने 4 टेबल स्पून उस पर सिरका लगा के उसे छोड़ देना है। तो जब आप पकाने लगेंगे तो फिर उसे धो लीजिए, तो स्मेल उसकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। और बाकी की जो है वो कुकिंग के दौरान एक चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे तो उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर की, बहुत ज़बरदस्त खुशबू वाली, बहुत टेस्टी बट बनेगी। तो जो लोग बट नहीं खाते वो भी ज़रूर खाएंगे इसे। प्याज हमने 3 दरमियाने साइज़ की ली थी जो हमने इसमें डाली है। अब इसका हल्का हल्का कलर आ चुका है, तो अब इसमें हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे। मेथी जो है, अगर आपको कसूरी मेथी मिल जाए तो बेहतरीन है, और अगर दूसरी मेथी हो जो आम नॉर्मल होती है वो ले लें, सूखी मेथी हो, हरी मेथी हो, जो भी हो। तो 2 मुट्ठी आपने लेनी है, जिसमें से 1 मुट्ठी अभी जैसे प्याज का ये कलर आ गया इसमें डालनी है, और 1 मुट्ठी आपने बाद में डालनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और अगर आप बाहर से मेथी लें जैसे पैकेट वाली, तो उसको धो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बाज़ अवकात मट्टी होती है और फिर जो है ना खाना सारा ख़राब हो जाता है। प्याज का हमारी कलर आ गया, गोल्डन कलर की हो गई है, और मेथी भी हमने इसमें डाल के 1 मिनट फ्राई कर ली है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमने 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं, और बारीक बारीक छोटे छोटे काट लिए हैं, बहुत बारीक नहीं है, बस छोटे काटे हैं। आप इसमें जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह मेथी वगैरह डाल के आपने अगर बनाई बट, तो जो लोग नहीं खाते वो भी खाएंगे, और आपको ख़ुद भी पकने के बाद यकीन नहीं आएगा कि आपने बट बनाई है, क्योंकि बट को आमतौर पर स्मेल की वजह से लोग नहीं खाते, और घर में से भी इतनी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जब वो पक रही होती है। टमाटरों को हम लो फ्लेम पर 5 मिनट पका लेंगे। टमाटरों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें चेक करेंगे। टमाटर गल चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। लहसुन अदरक लिया है हमने, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, इसे डाल के हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। वन टेबल स्पून हमारे पास मोटी कुटी मिर्च है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है। मसालों को फ्राई कर लेंगे 1 मिनट। बट जो है हमने
दो किलो ली है, और ये मोटी वाली बट है देखिए। बट को थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल लेंगे, आप चाहें तो इकट्ठी डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसे हमने 5 मिनट फ्राई करना है। बट को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, ऐसे 5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। और आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अगर इसका पानी आ जा निकल आता है जब, तो ड्राई कर लीजिएगा पानी को इसके, और फिर अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है आपने। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो 10 मिनट लग जाएंगे आपको इसे पानी को ड्राई करने में और फ्राई करने में। अब हम इसे मज़ीद चीज़ें जो डालनी है वो डाल देंगे। मेथी हमने एक मुट्ठी हमने ऑयल में डाली थी, ये एक मुट्ठी मेथी है जो अब हम इसमें मज़ीद डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी तो ये आधी डाली थी हमने, और उसे आधी में ही मसाले में हमने इसे फ्राई किया, और बाकी की आधी अब डाली है। तो इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जब आप बनाएंगी तो आपको ज़रूर पता चलेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखने में भी नहीं लग रहा कि बट पकी है, और खुशबू से भी नहीं लग रहा। अच्छा, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे हम अभी इसमें, और इसे हम पानी डाल के पकने के लिए लगा देंगे। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो इसे 45 मिनट लगेंगे तकरीबन, और अगर आप इसे जैसे पतीली में या किसी बर्तन में और में बनाते तो उसमें आपको तकरीबन 2.5 घंटे लग जाएंगे इसे गलने में। और इतना फ्राई करने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें नीम गर्म पानी डालें, तो 2-2.5 गिलास पानी डालना है इसमें, और इसे पकने के लिए अब हम लगा देंगे। और पानी नीम गर्म करके डालना है, क्योंकि ठंडा पानी डाल देंगे ना हम, तो ये इतनी देर की फ्राई हुई है, गर्म हुई है, ठंडी होके अकड़ जाएगी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी हमने 2.5 गिलास लिया है, अब वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, ये इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे जब तक ये गल जाए। तो इसे कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं। जब पक के रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है, तो अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये बट का जो सालन है ये रेडी हो चुका है, और डिश आउट कर दिया है हमने, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत नमकीन, बहुत टेस्टी बना है, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है, और कलर भी बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।